क्रिकेट में टाइमिंग बड़ी चीज़ है। बॉल सही वक्त पर सही टप्पे पर पड़ जाए तो बॉलर की बल्ले बल्ले है, और बल्ले की टाइमिंग बढ़िया हो तो बैटर का काम कमाल हो जाता है। सब कुछ टाइमिंग का ही खेल है। कोई भी बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे, लेकिन अगर फाइनल में चल गया तो मान लो सब सेट हो गया। T20 वर्ल्ड कप में भी एक ऐसा ही मामला टाइमिंग पर आकर जम गया है। ग्रुप स्टेज के मुकाबले खत्म हो चुके हैं और अब सुपर 8 की बारी है, यानी जो गलती होनी थी उसे भूल जाइए और अब बड़े मुकाबलों की तैयारी करिए। ऐसी ही बढ़िया टाइमिंग इस वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज़ की बैठी है। सुपर 8 से ठीक पहले वेस्टइंडीज़ की टीम सही टाइम पर पीक कर गई है। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में जिस तरह वेस्टइंडीज़ ने अफगानिस्तान को लपेटा है, उससे तो यही है कि सामने वाली टीमों को अब थोड़ा बचकर रहना होगा। और कमाल की बात तो ये है कि अब जो मुकाबले होने हैं जिन पर हर किसी की नज़रें हैं, यानी सुपर 8 के मुकाबले, वो सब वेस्टइंडीज़ के घर में ही हैं, इसलिए दूसरी टीमों के लिए खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बार T20 वर्ल्ड कप दो देशों में हुआ, अमेरिका और वेस्टइंडीज़। वर्ल्ड कप का पहला लेग तो अमेरिका में हो गया, अब दूसरे और अहम पड़ाव की बारी है जो वेस्टइंडीज़ में होगा। वर्ल्ड कप से पहले जब वेस्टइंडीज़ की टीम आई थी, जब हर किसी को हैरानी हो रही थी कि यार ये तो काफ़ी कमज़ोर टीम है, क्योंकि कप्तान नया है और बाकी खिलाड़ियों का भरोसा नहीं है कि कब कौन सा प्लेयर फॉर्म में होगा और कौन चलेगा या कौन नहीं, लेकिन सब कुछ गलत साबित हो गया। वर्ल्ड कप देख रहे लोगों से अगर आप बात करेंगे तो शायद कुछ ही लोग आपको बता पाएंगे कि इस वक्त वेस्टइंडीज़ का कप्तान कौन है, क्योंकि वहाँ चीज़ें कुछ वक्त से ऐसी ही चल रही थी। इस वर्ल्ड कप में रोमन पावल टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जो IPL में प्लेइंग 11 के लिए भी संघर्ष करते रहे हैं। जब उन्होंने टीम की कप्तानी संभाली थी तब वेस्टइंडीज़ रैंकिंग में 9वें नंबर पर थी, आज वो नंबर 3 पर आ गई है। वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में वेस्टइंडीज़ ने PNG, युगांडा, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को हराया है। सुपर 8 में उसके सामने इंग्लैंड, अमेरिका और अफ्रीका जैसी टीमें हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि तीनों मैच उसके घर में हैं। साथ ही निकोलस पूरन, जॉनसन चार्ल्स, शाई होप जैसे तमाम खिलाड़ी इस वक्त फॉर्म में हैं, और बाकी वेस्टइंडीज़ के किसी प्लेयर का नहीं पता कि वो अपने दिन में कब आपको मैच जिताकर ले जाए, क्योंकि अभी इस वर्ल्ड कप में आंद्रे रसल का जलवा देखना भी बाकी है। इसलिए यही समय है कि बाकी टीमों को बचकर रहना चाहिए, क्योंकि भले ही आप भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों पर नज़र जमा कर बैठे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अंत में बाजी वेस्टइंडीज़ मार जाए। वेस्टइंडीज़ ने दो बार जो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं वो भी ऐसे ही जीते हैं, तब भी किसी ने सोचा नहीं था कि ये टीम ऐसा कमाल कर देगी, और अब भी ये कोई नहीं सोच रहा है। आप सुपर 8 के मैचों पर नज़र बनाए रखिए और क्रिकेट के तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।